सो गाइस, आज के वीडियो में हम एक सर्वर में आ चुके हैं जहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग हैं। सो उनसे मिलते हैं एंड पूछते हैं उनको कि वो लोग सर्वर में करने ही क्या आए हैं एक्चुअली। और ये रहे विघ्नेश भाई। हेलो हेलो विघ्नेश भाई। हेलो भैया, आप मुझे ये बताओ कि आप सर्वर में करने ही क्या आए, आपको चाहिए क्या है सर्वर में? मेरे को इस दुनिया की सबसे तगड़ी स्वॉट चाहिए जिससे मैं एक वॉरियर बन सकूं। वाह, आपको वॉरियर बनना है भाई, नाइस। तो गाइस अभी नेक्स्ट मेंबर पे चलते हैं। ये रहे साइक्लोन भाई, छलांगे मारते हुए। हेलो साइक्लोन भाई, आपको क्या चाहिए? हेलो 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 हेलो, मुझे सबसे पावरफुल आर्मर चाहिए ताकि मैं किसी से भी ना हार पाऊँ और आगे जाके मुझे मतलब कोई हरा ही ना सके। बेसिकली पीवीपी गॉड। हाँ पीवीपी गॉड भाई। गाइस भागते हैं, चलो फटाफट भागो। अरे ये रहे शिवम भाई। हेलो शिवम भाई, कैसे हो? हेलो शिवम भाई, आपको क्या चाहिए मेरे को ये बता दो। हेलो हेलो, मैं ना इस सर्वर में पहले भी आ चुका हूँ, मैं बहुत पहले से था यहाँ पे। तो बेसिकली अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं और मुझे इस सर्वर से बस यही चाहिए, जैसे यहाँ पे सारे लोग नए नए आ रहे हैं ना, तो उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है अभी कि वो सब तो चाह रहे हैं कि अभी मैं पावरफुल हो जाऊँ, किन्हीं के पास सॉर्ड आ जाए, तो वो कर पाएंगे, ऑब्वियसली कर पाएंगे, लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं कर पाएंगे भाई, ये बस याद रखना, बिकॉज मैं बहुत कुछ जानता हूँ इस सर्वर के बारे में। अरे वाह भाई, तो आप यहाँ के बाबा जी हो, बाबा जी है ना? सो गाइस सब आसपास ढूंढते और कौन। अरे ये रहे आरआर गेमर। हेलो रोहन भाई। रोहन भाई मुझे आप ये बताओ कि आपको क्या चाहिए? हेलो, एक्चुअली मुझे ना ऐसा एक किंगडम चाहिए जो कि बहुत ही प्रिटी हो और सबसे पावरफुल वाला हो। ओके, सबसे पावरफुल किंगडम, वाह भाई। लेकिन लगता है कि रोहन भाई ना आज कुछ ज्यादा मस्ती के मूड में, इसलिए वॉइस चेंजर लगा के बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चलता है। अरे अरे प्रिंस भाई, ये कहाँ घुस के बैठे हो आप? बाहर निकलो और हमें ये बताओ कि आप इसी सर्वर में क्यों आए हो, आखिर आपको चाहिए क्या है सर्वर में? मैं सर्वर में आया हूँ इन सबसे ज्यादा प्रो बनने और गॉड बनने। ओ, मतलब आपको इस सर्वर का गॉड बनना है? गॉड तुसी ता ग्रेट हो, थोड़ी कृपा हम पे भी बरसा देना जरा, है ना? अरे टेक गेमर भाई, भविष्य में जरा हमें भी बता दो कि आप इस सर्वर में आए क्यों हो। हेलो, अरे ये रे रे रे, अच्छा ऐसा। तो गाइस इन्होंने ना मेरे कान में आंसर बताया, क्योंकि सबके सामने रिवील नहीं करा जाते, बट मैं तो बता दूंगी, ठीक है भाई? सो गाइस इनको एक्चुअली ना इलीगल वेपन्स चाहिए इस सर्वर में। तो बता दिए सबको क्या चाहिए, लेकिन क्योंकि भाई आपको क्या चाहिए? मुझे मुझे चाहिए ड्रीमलैंड। अरे 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 गाइस, बता रही हूँ ड्रीमलैंड क्या है। सो बेसिकली ड्रीमलैंड ना इस सर्वर की एक ऐसा किंगडम है जो कि एकदम ही मैजिकल किंगडम है, सबसे पावरफुल और सबसे प्रिटी किंगडम है ड्रीमलैंड। और उस ड्रीमलैंड की खास बात बताओ, उसका जो कैसल है ना, उसके अंदर एक ऐसी सीक्रेट जगह है ना जिसके अंदर एकदम ही पावरफुल आर्मर रखा हुआ है, एंड वो पूरे सर्वर को रूल करेगा, जो भी किंगडम को जीतेगा। लेकिन ना सारे लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना ना उतना आसान नहीं है। गाइस यहाँ पे तो सभी को ड्रीमलैंड चाहिए। अरे गाइस वापस से आओ, आपको ड्रीमलैंड चाहिए तो उसकी एक बात बतानी और एक। अरे भी बात सुने भी ना चले जाते हो आप लोग, सुनो आप ध्यान से। तो बेसिकली ड्रीमलैंड को पाना ना इतना आसान नहीं है, उसके लिए ना हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ग्राइंडिंग तो भी करनी पड़ेगी ना, और जितना हम लोग ग्राइंड करेंगे उसके लिए हमें माइनिंग भी तो करनी पड़ेगी। तो अभी आप लोग डायरेक्टली जाके तो ड्रीमलैंड नहीं ले सकते ना, उसके लिए आपको माइनिंग करनी पड़ेगी। तो अभी जाओ थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग एंड माइनिंग कर आओ, ठीक है? गाइस इनको फिर भी नहीं सुनना बात, ये लोग इनको लड़ने दो। गाइस इन सबको, सबके सबको अभी ड्रीमलैंड चाहिए, मेरी विश चोरी कर रहे हैं ये लोग, ठीक है भाई, ऐसा कर लो आप लोग। लेकिन गाइस इन लोगों को नहीं पता ना कि जो ड्रीमलैंड होगा ना वो तो मेरे ही हाथ आने वाला है, क्योंकि ड्रीमलैंड के बारे में मुझे ऐसे ऐसे सीक्रेट पता है ना जो यहाँ पे किसी को भी नहीं पता। सो ड्रीमलैंड को तो रूल मैं ही करूँगी। तो गाइस ड्रीमलैंड को जीतने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग और माइनिंग करनी पड़ेगी। सो चलते हैं एंड माइनिंग करते हैं, थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग करते हैं, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द मिशन ड्रीमलैंड।
thousand years later. So guys, मैं ना यहाँ पे स्पॉट एरिया से बहुत ही ज्यादा दूर आ चुकी हूँ, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग आयरन, क्योंकि बाकी सबको आयरन मिल नहीं रहा. एंड मुझे यहीं पे कहीं पे दिक्कत, ये रहा आयरन. एंड गाइस, आई होप सो कि ड्रीमलैंड को लाइक जीतेंगे तो हमें ऐसा कोई टेंशन नहीं है. एंड आई गेस सो कि हम लोगों को ना ये हमें टीम अप करना ही पड़ेगा किसी के साथ, क्योंकि अकेले ड्रीमलैंड तक जीतना ना बहुत हार्ड होगा. तो किसी के साथ टीम अप करते हैं जाके. एंड अभी तो पहले डायमंड आयरन सबको ढूंढते हैं. गाइस, इधर मैंने पहली बार ऐसा स्ट्रेट डिग डाउन किया और डायमंड्स मिल गए. सीरियसली, लाइक दिस इज एक्चुअली वेरी हार्ड, कि सर डीप डाउन आप माइनिंग कर रहे हो ऐसे स्ट्रेट डिगिंग और आपको तुरंत ऐसे डायमंड्स मिल रहा है. बट ओके, हम लोग फटाफट से माइनिंग करते हैं एंड देन हम लोग निकलते हैं किसी के साथ टीम अप करने. आई गेस कि यहाँ पे एमराल्ड भी मिल जाए एंड देन हम लोग विलेजर्स से ट्रेड करेंगे, उनसे सामान लेना है एंड बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. सो गाइस, माइनिंग करते करते मुझे साइक्लोन भाई मिल गए एंड वी डिसाइडेड टू टीम अप. एंड उन्होंने मुझे उनके सारे के सारे डायमंड्स दे दिए एंड देन हम लोगों ने साथ में माइनिंग की एंड अच्छे से टाइम स्पेंड किया. एंड अभी देखते हैं, हमने बहुत ज़्यादा माइनिंग कर लिया, बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा कर लिया. One eternity later. So guys, हजार साल बाद हम लोग फाइनली बाहर निकल चुके हैं. एंड साइक्लोन भाई, सुनो ना, आपको याद है कि हमने ना लाइक ऐसे थोड़े टाइम पहले केव देखी थी, हम लोग माइनिंग कर रहे थे तभी, है ना, समथिंग लाइक वो जंगल बायो में हमने देखा था. वहाँ पर जाकर एक बार चेक करें, वहाँ पर अगर कुछ मिल जाए तो. चलो साइक्लोन भाई, हाँ ये नहीं, घूमो थोड़ा बहुत, देखो यहाँ पे आयरन है. हाँ आयरन भी मिल गया. आप एक काम करो, आप केव ढूंढते रहो ना. हाँ आप ढूंढते रहो केव, मैं तब तक यहाँ पे आयरन लेती हूँ. अरे ना, यहाँ पे आओ. देखो, नीचे वही केव है ना, है ना, वही है. केव के ऊपर ही आयरन मिल गया. वही क्या लग गया हमारा, वही केव है, लेजिट वही केव है. एक काम करते हैं, पहले आयरन कलेक्ट कर लेते हैं. अच्छा कर भी लिया, ठीक है भाई, इन्होंने पहले ही आयरन कलेक्ट कर लिया. ठीक है, काम करो. चलो साइक्लोन भाई, अभी जाते हैं वो वाली केव में. आप अरे ऊपर कहाँ जा रहे हो, नीचे उतरो भाई. गाइस लेजिट बंदर लग रहा है मेरे को, नीचे उतरो. चलो ना वही केव में जाते. अरे धीरे धीरे, मैं उनको धीरे बोल रही थी, मैं कुट्टू घाट में बची हूँ. अरे यार ओके, चलो 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 वही केव. अरे यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे आयरन है. ओके आते ही आयरन मिल गया. क्या कॉबल स्टोन स्पॉनर होगा ना, नहीं हो सकता ना. अरे हाँ स्पॉनर तो अभी नहीं हो सकता, लेकिन स्पॉनर के साइड में तो वो ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं ना, क्या बोलते हैं, मौसी कॉबल स्टोन, मौसी के कॉबल स्टोन. हाँ लेकिन अगर वो स्पॉनर नहीं, तो किसी का बेस डिस्कवर हो गया क्या. हेलो एक्सक्यूज मी भाई, किसी का बेस डिस्कवर कर लिया है आपने. अच्छा आप गिर गए, लॉल. अच्छा कोई ना, आपको ना मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन है, मैं कलेक्ट करके आती हूँ आपके पास. हाँ हाँ कोई ना. अरे हाँ अरे कहीं से सच बोल रहे हैं, कोबल स्टोन है यहाँ पे, और ये यहाँ पे मौसी के कोबल स्टोन भी नहीं है भाई. मतलब किसी का बेस मिल गया है सच्ची. करते हैं वाटर बकेट क्लास, नीचे उतरते हैं. 1 2 3 वो गाइस स्पिरो स्पिरो. चलो अरे एवे नहीं जाते, नॉक करो पहले. नॉक नॉक, कोई है अंदर. हेलो, अरे क्या कर रहे हो अंदर के गए, कौन है. अरे